प्रभु की छत्र छाया में, तुम जो सर्वोच्च के आशे में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले वाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसीलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसीलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है।